हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग मेमोरी इन मार्बल जो लेसन 4 है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग एक्टिविटी 5, 6, 7, 8 जो हमारा सारा एक्टिविटीज है उसे करेंगे। इस चैप्टर को तथा इसके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्टिविटीज है वो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया है। तो यदि आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग से एक्टिविटीज नहीं की है, तो आप लोग पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 5 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो खाली स्थान दिया गया है उसमें जो सुटेबल प्रिपोजिशन होगा उससे भरो। ठीक है, वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। जैसे कि ये देखिए, पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है, माई अंकल विजिटेड अस ऑन द 5th अप्रैल, यानी मेरे चाचा जी 5 अप्रैल को हमारे यहाँ आए थे। तो ये आपको पहला वाला कर दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरना है उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन दे दिए गए हैं। आपको इनमें से चुनकर जो जहाँ पर सुटेबल बैठेगा वो वहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इन प्रीपोजिशंस का अर्थ आप लोगों को बता देती हूँ, मीनिंग बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को करने में सुविधा हो। ठीक है, जैसे इन, फर्स्ट वाला इन है, इनका मतलब होता है मे। ठीक है, या फिर किसी चीज के बीच में जो कहा जाता है। ठीक है, है फॉर, एफ ओ आर फॉर, मतलब फॉर का अर्थ होता है, उपयोग होता है के लिए। तीसरा है ऑफ, ऑफ का अर्थ है का। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, मैं यहां से आपको देख के बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अर्थ बता देते हैं, हिंदी अर्थ क्या होता है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। के बाद ऑन, ऑन यानी ऊपर, किसी चीज के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर। ठीक है, या फिर किसी डेट पर जब विजिटेड होता है तो वहां पर हम लोग ऑन लिखते हैं। ठीक है, के बाद टू, टू का होता है प्रति के लिए। ये कुछ मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया है इन प्रीपोजिशंस के, लेकिन आपको इसका उपयोग बहुत ही समझ के करना होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर बी से देखते हैं। राम वेंट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, राम जो है फुटबॉल खेलने गया, कब? द टिफिन ब्रेक, टिफिन ब्रेक के दौरान। दौरान के लिए क्या बताया गया था? ड्यूरिंग। ठीक है, डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग। ओके, तीन नंबर देखते हैं, मिस्टर ब्राउन लीव्स इंग्लैंड। ठीक है, तो जगह के लिए हम किसका यूज करते हैं? जगह के लिए हम लोग इनका यूज करेंगे, यदि कोई बड़ा जगह हो तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। कहाँ रहते हैं? इन इंग्लैंड। ठीक है, डी नंबर देखिए, द टेल अ मंकी इज लॉन्ग, एक मंकी का जो टेल है, ठीक है, टेल यानी पूंछ, किसका? मंकी का। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑफ, अ टेल ऑफ मंकी इज लॉन्ग, बंदर की पूंछ लंबी है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ई नंबर, द कैट इज स्लीपिंग द टेबल, तो क्या होगा यहाँ पे? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक, एफ नंबर, मिसेज दास ब्रॉट स्वीट्स, मिसेज दास जो है वो मिठाई खरीद के लाई, किसके लिए? तो के लिए क्या है? फॉर। ठीक है, तो फॉर, एफ ओ आर, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। जी नंबर देखिए, राहुल केम डैश माई हाउस दिस मॉर्निंग, राहुल घर आया, किसके यहाँ? कब आया? मॉर्निंग में। तो यहाँ पर क्या होगा? टू, राहुल केम टू माई हाउस, राहुल मेरे घर आया। ठीक है, दिस मॉर्निंग, देखो यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, थोड़ा सा मीनिंग कहीं कहीं पर डिफर करता है, मतलब अलग होता है,
लेकिन हमको उसको सेंटेंस के हिसाब से बैठाना होता है. ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा. आइए अब आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी सिक्स. ओके, एक्टिविटी सिक्स देखेंगे. एक्टिविटी सिक्स में क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, वन इज डन ऑफ फॉर यू. तो यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल भरना है. आर्टिकल आपको अच्छे से याद होगा, वी ओ डब्ल्यू ई एल, वोवेल, ए आई ओ यू, जहां पर ये रहेंगे वहां एन भरना है, बाद बाकी में कॉन्सोनेंट में ए भरना है, और स्पेशल चीज के लिए हम लोग द लगाते हैं, उसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं. ये आप लोगों ने किया ही था, ठीक है. तो चलिए पहला वाला कर दिया गया, क्योंकि ताजमहल स्पेशल है और एक ही है, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले द लगा दिया गया. द ताजमहल इज वन ऑफ द, क्योंकि वो एक ही है तो द ही होगा. द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ए वंडरफुल स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्ट. की बात क्या बढ़ सकते हैं, द मोनूमेंट लाइक दिस इज रेयर टू फाइंड. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. ये यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल भी कर लिया. आइए अब एक्टिविटी सेवन देखते हैं. ओके, एक्टिविटी सेवन में क्या कह रहा है कि सपोज यू हैव विजिटेड अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट. मान लो तुम कहीं पर जो तुमको जगह पसंद है उस जगह तुम घूमने गए, ठीक है. नाउ राइट एट लीस्ट फाइव सेंटेंस, कम से कम पांच सेंटेंस लिखो अबाउट दैट प्लेस, उस जगह के बारे में. प्लेस यानी जगह, ठीक है, जगह जिस जगह तुम घूमने गए उस जगह के बारे में पांच सेंटेंस लिखो. बिगेन विद द नेम ऑफ द प्लेस, शुरू करोगे कहाँ से, जगह के नाम से, नेम ऑफ द प्लेस से. हेयर आर सम हिंट्स, कुछ हिंट्स दे दिए गए हैं जिसके आधार पे आपको करना है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको जगह का नाम बताना है कि कौन सी जगह हम लोग घूमने गए थे. तो चूंकि ताजमहल का, इसलिए हम लोग ताजमहल ही कर लेते हैं. लास्ट समर आई विजिटेड आगरा, ए जी आर ए, आगरा, ठीक है. आई वेंट देयर विथ, किसके साथ जाओगे, वेंट माने जाना, किसके साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे. आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है. वहां पर क्या देखे, आई सॉ द, आगरा जाओगे तो ताजमहल तो देखोगे ही, ताजमहल, ठीक है. अब ये किसके द्वारा बनाया गया है, इट वॉज बिल्ट, बी यू आई एल टी, बिल्ट बाई एम्परर में शहंशाह, बादशाह, एम्परर शाहजहां, J-A-H-A-N, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे. उसके बाद फाइव नंबर सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, दिस वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर था, ठीक है, बहुत ही सुंदर है. ओके, तो ये हम लोग का पांच सेंटेंस जो हमें लिखना था हम लोगों ने वो भी लिख लिया. अब हम लोग एक्टिविटी एट को देखेंगे, ठीक है. एक्टिविटी एट में क्या कह रहा है कि राइट फाइव सेंटेंस, ठीक है, पांच वाक्य लिखो अबाउट योर जर्नी, अपनी जर्नी यानी होता है यात्रा, ठीक है. अपनी यात्रा के बारे में पांच सेंटेंस लिखो, फ्रॉम योर होम टू स्कूल, घर से लेके विद्यालय तक का, ठीक है. यू कैन यूज द फॉलोइंग हिंट्स, यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं उसके आधार पर आप लिख सकते हो, ठीक है. तो इसके लिए हिंट क्या है, तो सबसे पहला हिंट है आपका डिस्टेंस बताया गया है, हो घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है, मोड ऑफ ट्रेवलिंग कैसे तुम वहां तक पहुंचे, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, वहां के लैंडमार्क्स क्या क्या है, थिंग्स यू सी इन द कोर्स ऑफ योर जर्नी, जो तुम गए रास्ते से यात्रा करके बीच में तुमने क्या क्या देखा, द मोस्ट
एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी, जो उसमें सबसे अच्छा था वो बताओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको करना। यहां से लिखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माय स्कूल स्कूल के बाद क्या लिखोगे, स्कूल इज जितनी भी दूरी हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 किलोमीटर लिख देती हूँ। एच आर डबल ई 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप स्कूल कैसे भी जा सकते हो, बस, ट्रेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है मोड ऑफ ट्रेवलिंग, कैसे पहुंचे, तो अब हमको वो बताना है। वी गो टू स्कूल बाय ट्रेन। ठीक है, आप कुछ भी बता सकते हो, ट्रेन, बस, जिससे जाते हो वैसे। ठीक है, चाहे बस कर लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि बस रहेगा तो बहुत ज्यादा मतलब तुम बता पाओगे, तो क्योंकि ट्रेन में तो उतना ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आप बस कर लो। ठीक है, बस अभी आप बता पाओगे कि बस से जाते हैं तो रुक रुक के जाती है ना, तुम लोग बता पाते हैं। ठीक है, एट लैंडमार्क भी बताना है, तो बस ट्रेन का लैंडमार्क तो बता ही नहीं पाओगे, इसलिए बस ही। ठीक है, एट पिक्स मैंने लेती है। ठीक है, इट पिक्स अप कहाँ से तुम्हें चढ़ा लेती है, पिक्स अप मी फ्रॉम द डोर ऑफ आवर होम। उसके बाद देखो, इट रन्स ऑन द जीटी रोड। ठीक है, तो कहाँ दौड़ती है ये, जीटी रोड पे, तो वहां पे तो तुम बहुत कुछ देख पाओगे, है ना। विवेकानंद ब्रिज इज ऑन द वे ऑफ आर स्कूल। ठीक है, और यही क्या है, हमारा लैंडमार्क है स्कूल का। तो दिस इज लैंडमार्क ऑफ आर स्कूल। और क्या बताना है कि तुमको कैसा लगा, तो तुम बता सकते हो कि दिस जर्नी, जे ओ, कौन, फिर से लिख देती हूँ, जे ओ यू आर
NEY, journey of school bus is no doubt the most exciting 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 part, comma, we enjoy it. Yeah. तो ये जो है यहाँ पर खत्म होता है. इसके बाद जो आपका एक्टिविटी 9 है जो लास्ट में रह गया है वो एक्चुअली में एक पिक्चर बनाना है ताजमहल का. तो वो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो और कर ही लोगे तो इसके लिए मैंने नहीं बताया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है, खत्म होता है. इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में पूरा चैप्टर और एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 5, 6, 7, 8 कर रहे हैं और पूरा मिलाकर अब ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है. इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग का जो नेक्स्ट लेसन है वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे. इसी के साथ थैंक यू एवरीवन.